हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि हम जो टेम्पररी टेबल्स बनाते हैं वो होती कहाँ है। मैं Sqlserver चलाता हूँ, तो इसमें जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल माय टेम्प डाटा कोड और डाटा टाइप है, ठीक है, एप्लीकेशन डाटा बेस है मेरा टेबल क्रिएट हुआ है। मैं इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। मैं इसको देखता हूँ सिलेक्ट, तो डाटा है मेरा, बट ये है कहाँ? मैं एप्लीकेशन में टेबल में देखता हूँ, यहाँ पे मेरी टेबल नहीं है, ये कोई हैश टैम कुछ नहीं बना हुआ, तो टेबल गया कहाँ? ठीक है, टेबल्स में दोबारा देखते हैं एक बार, सिस्टम टेबल्स फाइल टेबल्स में कुछ है ही नहीं, सिस्टम टेबल्स में भी नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसा होता नहीं है इसमें। ये डाटा जो हैश टैम टेम्प्रेरी टेबल्स होते हैं, ये सब जाता है टैम्प टी वी में, सिस्टम डाटा बेस के टैम्प टी वी में टेम्प्रेरी टेबल्स में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे राइट किए फिर क्रैश करके मैंने ये भी बनाया है, तो ये टेबल मेरी बनी है टैम्प डाटा बेस के टेम्प्रेरी टेबल के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर इसमें यहाँ से डिलीट करता हूँ ड्रॉप टेबल F5, ये मेरा टेबल ड्रॉप हो गया है, और मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा टेबल चला गया। मैंने यहाँ पर इसको दोबारा क्रिएट किया, राइट क्लिक रिफ्रेश, ये मेरा टेबल दोबारा, ठीक है। तो ये जो हैश के थ्रू हमारी टेम्पररी टेबल्स बनती हैं वो जाती हैं हमारी टैम्प डाटाबेस के अंदर, और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि टैम्प डाटाबेस का यूज़ है क्या Sqlserver के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।